सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मुझे 9:15, सॉरी राधे नौ, राधे राधे। इनको दिखाना से जरूरी है, वरना परेशान करते हैं कि हाँ मैं भी आ चुका हूँ। तो भाई इनको भी दिखाते थे, ये भी आ चुके हैं, कराए कार्डियो वार्डियो सब। यस तो आज ऐसे आके बैठ क्यों गए? पास खाना वाना नहीं खाना? खड़ा है। चलो आप नहीं, परेशान चलो से क्यों रहे हो? मैं नहीं हूँ परेशान। चलो फिर किचन में चलो, चलो 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 खड़े हो, चलो चलो चलो, फिर। क्या होता है, मैं इनको खड़ा करती हूँ, खड़े नहीं होते हैं। चलो ओ चलो आ जाओ। चलो, मैं दिखाऊँ आप, चलो। अभी गेट से मेरे को लग जाती ना तो मैं राधे राधे। दूध भी ले आए, वेरी गुड। कुछ बोलना मत। आज किचन फैली फैली सी नहीं लग रही, क्या बात है? जी हम ऐसे ही है। हम ऐसे ही हैं, खिलाते हैं पर आने के बाद है? तो चाय की आदत पूरी तरीके से छूट चुकी है। जो मैं शाम को भी चाय पी रही थी, मैंने वो भी छोड़ दी है। मैं सोचू शायद वो अच्छी आदत है। हाँ अंजीर, मुझे पता है मुझे खानी है, ऐसे मेरे थोबड़े के पास मत रखो। तो वह चाय की आदत सुबह एक सुबह की तो वैसे छूट गई थी अंजीर के साथ, लेकिन शाम को जो पीती थी मैंने वो भी छोड़ दी। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले उस रूटीन पर वापस आना पड़ेगा, वरना आदत बहुत बुरी लग रही थी चाय पीने की। क्या है? तो पहले अंजीर ले लेते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं, कि आज थोड़ी सफाई ज़्यादा करनी है मेरे को। हालत तो नहीं, लेकिन करनी तो पड़ेगी। मैंने जब से दूध पीना शुरू किया ना, वो डाल के सैफ्रॉन, तब से मेरे को ना एक तो रात में नींद नहीं खुलती और सुबह भी नहीं खुलती। नहीं क्या होगा? हाँ अभी से भी खुले करना गया है। खाते हैं अपना अंजीर। तो वह मेरी रात की मेहनत देखो, मैंने कितने अच्छे इंसान किए, पूरा देख रहे मेरी मेहनत। बहुत तगड़ी मेहनत है आपने। साफ हो गए और अपनी शक्ल देख सकते हैं। बुलेट रानी है तू। हजार 16 मॉडल है। 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 पुरानी बुलेट। 2 साल के 2000 मेरा 1996 मॉडल भी था इससे पहले मेरे पास। तो आप भी तो 8 साल पुराने हो। ये भी बात है। और मेरे उसके भी सुबह देख लेते हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। ये ना सूखे अगर ऐसे रहे तो। ये ऐसे सूखते हैं, इनको पलटना पड़ता है डेली डेली। डेली डेली? हाँ। कर दो, वहाँ और जल्दी सूख जाए, थोड़ी ज्यादा धूप लगे, यहाँ कम धूप आवे। हाँ ना, धोकर रख देना इनको। ये क्या किया आपने भी रात पे? तू मार रहे थे वो कात में उठ दिया ना। रोई थी तू मेरे हमारे जिम जिम बढ़िया है तू, है ना? और तेरे लगते ही ये मारे थी ना, मार रही ना। देख लो भाई, देख लो हरकतें, देख लो। और मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखा रही थी कि प्लग में ऐसे लगाना तो है। तू निकाल दिया कर। ऐसे निकालना है, ये ऐसे निकालते हैं। ये तो सही चीज सिखाओ, पर से मारते हो मैं बात नहीं कर रही आपसे। ठीक है जा, रुक जा। मैं फोन चार्ज पे लगा के जा रही हूँ। ओके आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी अब। ठीक है देखना, और आप ही आओगे मेरे पास। ठीक है चलो आज
न्यू वाली बेडशीट बिछाते हो, आगे ही हेल्प करोगे ठीक है? मैं ही बिछा दूँ, मैंने पेंसिल कर ले या प्रॉपर नहीं कर पाओगे ना फिर भी मैं सब कर देता हूँ नहीं कर पाओगे अब मोटर चलाएगी बेल भी लिया करो है? बेल भी लिया करो उस वजह से खींचो उसको ला दे तो बिछा दूँ सारा काम कर दूँ मैं क्रेडिट टू ले लिया ये तो मैं करा किस दे रखे साइड पोज दे रखे हो गया ना वैसे तो मैं क्लीन कर दी मैंने अब ना इसका निकलने का डर ना आपके फिसला के बाहर लाने का डर मैं दुखी हूँ आपके पीछे ऐसे ऐसे निकलता हूँ मैं हाँ अभी नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी देखो दिखा दे ना मैं क्या आप कैसे करते हो बैठ चीट के साथ चलो जी खाना बना लीजिए हाँ। अभी से जाके प्लग बंद कर दो ओके भाई ये है घर की बनी हुई छाछ इसमें घी दिख रहा होगा या तो मैंने अपने आगरा में पी थी जब गांव जाते थे यहाँ छाछ इजीली मिलती थी और कुछ लोग अपने गांव के भी रहते हैं दिल्ली में तो उनसे मिल जाती है छाछ घर की तो भाई मैंने इतने दिनों बाद घर की छाछ वो भी मग्गा भर के एक टाइम आ दी एक टाइम आ दी और भाई ये स्पेशली टिंकू भैया ने दी है और भाई घर की छाछ का तो अलग ही मजा होता है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस छाछ वो भी घी वाली क्योंकि जो हम बाहर से रेडीमेड लेते हैं ना वो छाछ में भी और छाछ छान के छाछ आती है जो घर वाली होती है ना इस छाछ का मजा अलग होता है भाई इस छाछ से मजा ही अलग आएगा और इसकी बनेगी ना कड़ी तो भाई एक नंबर कड़ी बनेगी जो दही की भी नहीं बनती है पर मैं भी कड़ी नहीं बनाऊंगी मेरे को सिर्फ छाछ चाहिए थी तो थैंक यू सो मच टिंकू भैया और ये केले केले के साथ मेरे को ले लिया अपनी दलिया मैंने बादामी से मिक्स कर ली कल के आप कह रहे थे वेरी गुड अब मैं ये खाऊंगी पहले नहीं पहले खाऊंगी ना पहले खाऊ फिर ना लो फिर रोटी वोटी बना दे तो मैं इसमें अल्लाह के पहले निकाल देती हूँ थोड़ी सी क्या बोलूं मैं आपको मैंने नहीं करा क्या जवाब आपने नहीं करा टी शर्ट उठा के लाना अपनी यहाँ लेटे थे पलट भाई इतनी दूरी पे रखा था इतनी यहाँ से और यहाँ इतनी दूरी पे और फिर भी पलट के अभी चादर बिछाई थी ना कर दिया कांड बच्चों ने काम कर दिया ना तुमने बिछे हुए देर नहीं हुई कर दिया खराब अभी बॉडी क्या दिखा रहे हो टी शर्ट दिखाओ जो गंदी हुई है साफ कर देते हैं कांड करो तुम मैं साफ करूं मैं बालकों वाली हरकत है तेरी कच्ची मेरी हाँ आंखें बच्चों पतियों घर में होती ही नहीं ये बात सच है तेरी तो है तो तू थोड़ी दूर रख लेती कतिये बेड पे सजा ना खारी ना नान जा रही खाने आ रही थी और आपने उसको आतंक मचा दिया इसी रीजन से वो बेडशीट मंगा रही मंदिर वाली हाँ तो खंडावे भी ज्यादा ही है क्या करें जय
जहाँ भांग होती है वहाँ भी घास फूस रहती है, जहाँ शिवलिंग लगा है वहाँ भी घास फूस रहेगी। ये शिव जी को अच्छा, ये जो ये वाली घास होती ना उसको क्या बोलते हैं, धूप कुछ ऐसे बोलते हैं, ये घास धतूरा, धतूरा धतूरा नहीं घास, ये शिव जी को प्रिय होती है। धतूरा भी तो वो तो अलग चीज होगी, घास की बात कर रही हूँ मैं। देखो मेरे, देखो मेरे प्लांट देख रहे हो ना, तब अच्छे हो गए। इसमें भी कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या ही आ रहा है, बहुत पानी डाला। ये कहाँ का भाई वो है, पति पति आराम नहीं करते हैं, ठीक है, और जो काम खराब करते हैं वो भी पति ही करते हैं। अच्छा, अब सारे काम मैं करूँ, सही है यार। अब बैठ के बस रील बनाओगे और रील देखोगे, अब बैठ के मुझे पता है इंस्टाग्राम चलाओगे बस, ये तो है। काम तुम्हारा है नहीं करने के, कुछ बचा ही नहीं है मैडम। भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, कहाँ है उतरा धरती पे, पतियों को सुधार, अब सुधरेंगे ये पति। ये ना सुधरे, ये ना सुधरे, जल्दी कर दे यार काम, मैं तो चिकन बनाना है। हम सही नहीं लाए तो, और मैं क्या कह रहा था, क्यों दिखाया कुछ दिया कुछ, ऐसा तो ना है, खुद छाट रही थी, पागल बना बना दिया। अरे मतलब अगर कोई चीज सही नहीं है तो बेचनी नहीं चाहिए ना। छाटी मैंने भाई गाजर के लिए, मैंने तुझे मना करा था, मैंने कहा गाजर रहने दे, गाजर अच्छी नहीं आ रही, अब जाली है सीजन जो जाना था, मगर सीजन जाली है जिस तरह जाना था। अब वो ऑरेंज वाली ही लानी पड़ेगी दोबारा से। नहीं मेरे को रेड भी मिल जाएंगी, अभी मिल रही है। हाँ पर महंगी है। ये हल्दी का खोखली वाली है, खोखली समझते हो ना, जैसे आप खोखले हो बोलते बोलते किचन में खाना बनाऊंगा और मेरे से काम करवाते उसके बाद आने के बाद, बहुत तेज हो यार तुम। बेटा बीन्स काटने के लिए बोला आपको, बस बीन्स बोला था। हाँ ये छोड़ दो बेसन, फिर नहीं वो तो है ही, खुद ही देख, खुद का पता है तुझे, फिर भी करती नहीं। कहाँ करते हो, मशीन में कपड़े धुल रहे, सुखा देना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कुछ कपड़े रखे हैं रखने के लिए अलमारी में, प्लीज वो रख देना, जहाँ पूछे ना वो काम बताऊंगी, जहाँ बर्तन पड़े हैं बर्तन धो देना, ठीक है। आप तो करते हो ना बहुत ज्यादा, बस आप ही करोगे, ठीक है। वही आपने वेजी जो चीज काट लेता हूँ, मैंने काट के तो पहले ही रख लीजिए, पर मैं आप थोड़ा सा वो कर लेते, बस कट जो करना होता है वो हो जाएगा, ठीक है यार। खुद काम करने में वो सबसे बढ़िया रहता है। इससे पहले की वीडियो देख लो, प्लीज मेरा ब्लॉग देख ले, आ गई ना, आ गई ना बीच में, मैं बीच में ही हट रहा हूँ, चुप रह जा। मैं अपनी मर्जी से काट ली, जैसे शिमला मिर्च काट ली, आपने गाजर बहुत बड़ी काट दी यार, छोटी छोटी वो इजीली हो जाएगी, इसलिए मैंने काटी है। पर आपने तो बोला था ब्लॉग में कि आपने काटी है। हाँ मैंने काटी है, बोला ये आपको वो दिया था छीलने के लिए बस। ये अटक दी, हटा के निकाल के लगाओ, अटक गई तो मैं क्या करूँ बताओ, मैं कर लूंगा। ये दोस्तों इसमें ऐसा अटक भी जाती है,
छोटा छोटा तो कर रखा तुमने तो या फिर वो स्ट्रिक्ट होगी वो वैसी हो सख्त होगी आदत सख्त है क्या कर रहे हो तो पहले छोड़ दो फिर मैं खा लूंगा छोड़ दो ना अरे इधर भी तो ना रही थी इधर से निकाल चप्पू से चप्पू मेरे पास है इतनी इतनी सब लखन तो कटी भी ना है पीछे हो दूसरे वाला ले ले दूसरा ले चुप हो जाओ बाबा आप कुछ मत बोलो इतनी सारी चटनी तो थोड़ी बोला था आपको मैंने फिर भी पी रहा हूँ अगर ज्यादा बार हाथ घुमा लो ये तो जाएगा आपका छोटे छोटे एक साथ रखो छोटे भी काम कर देते छोटे छोटे भी मतलब सारे काम कर रहे हैं जब कैमरे करवाने पड़े ना बाकी जो कर 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 नहीं है ना तो चलो जी भाई अपनी सेकंड मील रेडी कर ली है भाई मैडम से लड़ बैठे थे ना इसमें थोड़ी बहुत सब्जी कर दी ना तो यह करा ना करे इसकी थाली देखो और मेरी थाली देखो ठीक है ये डोडा भी खाती है कहना चाहोगे मैडम नहीं खाती है खाती है भाई जल्दी से बना ले मैं खाना खा रहा हूँ यहीं बैठ कर ठीक है चलो भाई मैं अपनी सेकंड मील ले लेता हूँ फटाफट से 200 ग्राम राइस 170 ग्राम चिकन एंड वेजीज वेजीज देख लो आज तो सारी चीज़ है आज क्योंकि काट दी तो डाल दी अदरवाइज नहीं डालते ओके हाँ छोरी रोटी राटी ना खाई तेने आगे जाओ आगे जाओ आगे ना निकल जाओ आप गल गल हो लो अरे यार लडली ओ लड़ रही है क्या हूँ 10:30 हो रहे यार मैंने तो पहले कही थी आप खाना रखा हुआ खा लो पहले आप आए कितना लेट हो आए तो ठीक है मैडम आप क्यों सोचोगे सोचने कोई पड़ेगा ये तो बात है तो करें कि आपने मेरी मील मंगा दी धन्यवाद इस बात के लिए हमें चश्मा ले चलो ना आपने चश्मा भर जाएगा चले शुक्रिया मेरे लिए सैंडविच मंगवाने के लिए मैं तो रोटी बनाती हूँ रोटी आने के बाद थैंक यू सो मच आप भी तो खुश हुई शुक्र है तो भाई अपना सैंडविच खाते हैं और अपना दूध पी के इस व्लॉग को ही एंड करते हैं चटनी भी है वाओ तो आपसे कल मिलते हैं सो मॉर्निंग में तो भाई बताना कि कौन कौन सोमवार की पूजा करता है मैं पूजा तो डेली ही करती हूँ मैं इवन संडे भी नहीं छोड़ती हूँ मेरे हिसाब से हाँ हम दोनों मेरे हिसाब से कोई भी दिन छोड़ने वाला नहीं होता भगवान का और ना ही कोई दिन आपको कोई दिन क्या बोलूँ कोई समय आपको भगवान को बोलना नहीं चाहिए अगर आप भक्ति कर सकते हो अपनी गृहस्थ जीवन के साथ साथ
भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, इससे आपका परिवार भी उसी वे में चलेगा, आपके बच्चे भी उसी वे में चलेंगे, और आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बच्चे देखेंगे वो सीखेंगे। तो भाई हम लोग तो काफी टाइम से कर रहे हैं, जो जो ऐसा करता है भाई कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि पूजा करने में जो आनंद है वो किसी भी चीज में नहीं, इवन म्यूजिक सुनने में भी नहीं है जो आजकल लोग सुनते हैं फालतू के म्यूजिक्स। तो आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।